हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला यहाँ पे Redmi Note 5 Pro के Android 11 के एक न्यू ऑफिशियल रोम के बारे में, जो कि प्रोजेक्ट अवेकन है रोम ये, और इसका जो वर्जन है 1.3.1 है। और यहाँ पे हमें जो है क्या कुछ देखने को मिलता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और साथ साथ इंस्टॉलेशन भी है, तो पूरी डोज ज़रूर देखना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या कुछ जो है देखने को यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फ़ोन की, तो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और अवेकन का वर्जन जो है 1.3.1 मिल जाता है, जो कि ऑफिशियल रोम है ये, और मेंटेनर नेम यहाँ पे मिल जाता है। और बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी पैच की, तो वो 5 नवंबर 2020 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलती है, कर्नल 4.4.243 जो कि प्लस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सेलिनक्स स्टेटस अभी परमिसिव जैसा कि सभी एंड्रॉयड 11 में देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है ब्लर तो आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलता है, लेकिन लैग हल्का सा देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्टेटस बार पे। तो एक बार जो है ब्लर जो डेवलपर ऑप्शन में देखने को मिलता है उसको डिसेबल कर देना तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे टॉगल्स हैं जो कि हमें मिल जाते हैं, सोमी पार्ट्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे ये कुछ टॉगल्स हैं, तो काफ़ी सारे टॉगल्स वैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। और 3 डॉट पे कॉलम सेटिंग्स भी मिल जाते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे आप चेंज करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ऑडियो आप चेंज करते हो तो कुछ इस तरीके से ब्लिंक करता है यहाँ पे स्क्रीन जो है, तो ये एक इश्यू देखने को यहाँ पे अभी मिल रहा है, ये जो है यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके स्क्रीन रिकॉर्डर की लैगिंग की, तो फिलहाल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे एक भी लैग ही देखने को आपको नहीं मिलता, काफ़ी स्मूथ जो है आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। एंड वॉल्यूम पैनल आपका कुछ इस तरीके से मिलता है जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ पे, नीचे आपको लाइव कैप्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पावर मेन्यू की, तो डिवाइस कंट्रोल मिल जाता है, इमरजेंसी पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको सिस्टम एंड रिकवरी भी मिल जाता है, और यहाँ पे 3 डॉट पर आपको जो है बूट लोडर का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात करें यहाँ पे रीसेंट की, तो ये काफ़ी ज़्यादा लैग यहाँ पे कर रहा है, आप खुद ही यहाँ पे वीडियो में ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है। एंड यहाँ पे नीचे शेयर मिल जाता है, और स्क्रीनशॉट पे आपको जो है शेयर एंड एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके होम स्क्रीन सेटिंग्स की, तो यहाँ पे आपको कुछ ये लॉन्चर जो कि आप देख सकते हो सेटिंग्स मिलती है, क्विक स्टेप लॉन्चर है यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें मिलती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलिंग की, तो वोल्टी जो है हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, वीडियो कॉलिंग काम नहीं करता, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप जो है यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर जो है देखने को मिल जाता, तो मैं यहाँ पे जो है निक जी ऐप यहाँ पे प्लस किया हूँ इस रोम में। और यहाँ पे बात करते हैं कैमरे की, तो डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको MIUI का मिल जाता है, जिसमें पोर्ट्रेट मोड हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि हमें मिलती है 4K 30fps एंड 1080 30fps तक की मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे GCam की, तो GCam आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर पाओगे, पोर्ट्रेट मोड भी ये जो है क्लिक कर रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो इसमें दिक्कत हमें नहीं मिलती है। एंड प्ले स्टोर की अगर हम बात करें, तो प्ले स्टोर आपका यहाँ पे सर्टिफाइड मिल जाता है बिल्कुल यहाँ पे। और अगर बैंकिंग ऐप की बात करते हैं, तो बैंकिंग ऐप भी आपके ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग ऐप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी नेट आपको विदाउट रूट जो है पास यहाँ पे मिल जाएगी, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली, तो बैंकिंग ऐप जो है आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। एंड यहाँ पे FM मिल जाता है, म्यूजिक प्लेयर आपको जो है थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ेगा, यूट्यूब बेस्ड हमने निक जी एफ प्लस किया उससे हमें मिल गया यहाँ पे। एंड बात करते हैं सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स के अंदर हमारा वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे वर्किंग है, कास्ट अभी काम नहीं करता, जो कि अभी किसी भी एंड्रॉयड 11 में काम नहीं कर रहा है। और अवेकन सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे स्टेटस बार सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल हो गया, ओल्ड मोबाइल टाइप एंड 4G आइकन, डाटा डिसेबल एंड बैटरी स्टाइल आपको जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बैटरी परसेंटेज भी आप यहां पे इनेबल कर पाओगे। और अगर हम बात करते हैं नीचे, तो हमें यहां पे ट्रैफिक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, और उसके नीचे हमें क्लॉक सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर स्टेटस बार आइटम भी मिल जाता है। यहां से जो है आपको ये वोल्टी इनेबल कर लेना है, तभी आपका वोल्टी आइकन जो है इनेबल हो जाएगा, और एक बार रिस्टार्ट कर लेना डिवाइस को। क्विक सेटिंग्स की बात करें, तो न्यू टीन स्टाइल मिल जाता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिसेबल रहता है, तो मैं यहाँ पे इनेबल कर रखा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है अभी। एंड नीचे आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आइकन मिल जाता है, ब्राइटनेस स्लाइडर एंड बैकग्राउंड ओपेसिटी मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज, ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं बटन्स की, तो यहाँ पे प्लेबैक कंट्रोल इनेबल एडवांस रिस्टार्ट जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड यहाँ पे डिसेबल पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन मिल जाता है, एंड सो वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट मिल जाता है, नेविगेशन बार लेआउट चेंज करने के लिए मिल जाता है, पिक्सल एनिमेशन मिल जाता है, और साथ साथ टॉगल टच व्हेन स्क्रीन ऑफ मिल जाता है। एंड बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन साउंड मिल जाता है, नोटिफिकेशन हेडर एंड सेंटर जो कि हमारा नोटिफिकेशन हेडर मिलता है यहाँ पर,
और नीचे ये शो ऑन ऑलवेज ऑन देखने को मिल जाता है, और लाइट पल्स कलर ये सारी चीज़ें जो कि मिलती है, जो कि सही से अभी फिलहाल काम नहीं करे यहाँ पे। और अगर हम बात करें लॉक स्क्रीन, तो डबल टैप स्लीप एंड मिल जाता है लॉक स्क्रीन एंड स्टेटस बार के लिए, और चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है नीचे जो है हमें यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है एंड लॉक स्क्रीन जो कि आइकन मिल जाता है एंड यहाँ पे हमारा जो है शो ऑन लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले की, तो यहाँ पे बैटरी लेवल मिल जाता है ऑलवेज ऑन जो दिया गया है यहाँ पे, ये जो है फिलहाल काम नहीं कर रहा है। तभी जो है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है परफेक्ट बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो ये भी हमारा जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डबल टैप चेक फ़ोन हो गया, लेफ्ट टू चेक फ़ोन हो गया, तो ये दोनों पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है। और बात करें मिसलेनियस की, तो यहाँ पे डैशबोर्ड सजेशन मिल जाता है, क्लिक टू परसेंट स्क्रीनशॉट मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं ऐप एंड नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर आपको होम जो कि होम ऐप देखने को मिल जाता है, क्विक स्टेप लॉन्चर हमारा। एंड बैटरी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बैटरी सेवर एडेप्टिव बैटरी मिल जाता है, बैटरी टेम्परेचर जो कि नीचे देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें, तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 66% बैटरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, तो बैटरी बैकअप जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे फिलहाल मिल रही है। तो बैटरी बैकअप में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ड्रेनिंग इशू देखने को मिलेगा क्योंकि एंड्रॉयड 11 में भी मिल रहा है चीज़। एंड डिस्प्ले की बात करें, तो लॉक स्क्रीन सेटिंग्स आपको मिलती है यहाँ पे, नाउ प्लेइंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। और बैक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन मिल जाता है, एम्बिएंट म्यूजिक टेकर मिल जाता है, एडवांस सेटिंग्स जो कि अभी फिलहाल आप जा नहीं सकते एडवांस सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे। और नीचे हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हो आइकन जो कि हर एक सेटिंग्स में आपको देखने को मिलता है। ये आइकन हर सेटिंग्स में देखने को मिलने वाला, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे इस रोम में ये चीज़। और नीचे आपको नाइट लाइट जो कि काम कर रहा है, ऑटो ब्राइटनेस काम कर रहा है, यहाँ पे स्क्रीन रोटेशन मिल जाता है। एंड स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर आपका यहाँ पे वॉलपेपर सिंगल मिलता है एक डिफॉल्ट। एंड ग्रिड के अंदर जाते ही एक क्लोज का ऑप्शन आता है कीप स्टॉपिंग का, तो जो है इस तरीके से आता है जब जाओगे तब। एंड क्लॉक के अंदर आपको जो है यहाँ पे ये कुछ क्लॉक देखने को मिल जाते हैं, तो क्लॉक जो है काफ़ी सारी मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे इनको बिल्कुल आराम से। और बैक करते हैं और चलते हैं यहाँ पे हमारा नीचे, जो कि यहाँ पे फॉन्ट जो कि डिस्प्ले डेंसिटी सेटिंग्स मिल जाती है, डबल टैप टू बैक काम कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्ले कटआउट भी मिल जाता है। और नीचे हमारा डार्क थीम जो कि थीमिंग के ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अवैक थीम के अंदर आपको यहाँ पे एसेंट स्पीकर मिल जाता है। बात करें साउंड की, तो साउंड के अंदर लाइव कैप्शन मिल जाता है यहाँ पे, एंड उसके नीचे आपको नाउ प्लेइंग मिल जाता है, और उसके नीचे यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्टमेंट मिल जाता है, और नीचे हमारा जो है यहाँ पे इफेक्ट मिल जाते हैं, और मीडिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दिया गया है, नीचे आपको उसके अदर साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सेक्शन जो बने हुए काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है हर एक सेटिंग्स में। एंड बात करें सिक्योरिटी की, तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पैटर्न साइज़ की, तो पैटर्न साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे पैटर्न जो है हमारा, जो फिंगरप्रिंट की बात करें, तो फिंगरप्रिंट जो है काम कर रहा है, लेकिन वही एंड्रॉइड 10 वाला इशू जैसे कि वन टैप वाला देखने को मिलता है, लेकिन काम कर रहा है। और बात करें फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है, तो फिलहाल दिक्कत तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती सिक्योरिटी में। स्क्रीन लॉक सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिजिटल वेलबिंग की, तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसका सपोर्ट हमें मिल जाता है। सोमी पार्ट्स के अंदर अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले जो कि एम्बिएंट डिस्प्ले सेटिंग्स मिल जाती है। एंड यहाँ पे वाइब्रेशन स्ट्रेंथ मिल जाता है, इनेबल यूएसबी फास्ट चार्ज मिल जाता है, और डिस्प्ले कैलिब्रेशन का ऑप्शन देखने को हमें मिल जाता है, जो कि अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है, तो आप इसका भी यूज़ कर पाओगे। ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल हमें देखने को मिलती है सोमी पार्ट्स में। और सिस्टम के अंदर हमें जेस्चर मिलता है, जिसके अंदर क्विक ओपन कैमरा एंड सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, जो कि ये कुछ सेटिंग्स मिल जाती है। सेंसिटिविटी एंड हैप्टिक फीडबैक भी मिल जाता है। और नीचे हमारा जो है टू बटन नेविगेशन दिया गया है, एंड 3 बटन नेविगेशन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, बस उन पर क्लिक करोगे तो एक बार सिस्टम यूआई जो है रिस्टार्ट होती है इस तरीके से, लेकिन ये जो है काम कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पे होम बटन पे पिक्सल एनिमेशन भी हमें मिल जाता है, जैसे कि सेटिंग्स में दिया हुआ था, इनेबल था वो बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज़ हैं जो कि हमें यहाँ पे जेस्चर पे मिलती है। और नीचे रिंगिंग मिल जाता है, स्क्रीनशॉट जो कि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट हमें मिल जाता है, पावर मेन्यू मिल जाता है यहाँ पे, ये सारी सेटिंग्स जो कि हमें मिलती है सिस्टम के अंदर, मल्टीपल यूज़र मिल जाता है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट भी देखने को यहाँ पे जो है मिल जाएगा। और अगर हम बात करें N22 बेंचमार्क स्कोर की, तो 147,437 में यहाँ पे N22 का स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी में इतना ही हमें देखने को मिल रहा है अभी। और अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राफिक की पबजी की, तो ग्राफिक जो है आपको स्मूथ पे हाई फ्रेम रेट है, और बैलेंस पे भी हाई मिलता है, और HD पे भी हमें हाई तक मिल जाता है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाले हैं, और आपको पबजी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो मैं जो है हर बार
क्या क्या करूँगा गेमिंग के टाइम पे, कि अब जो है आपको अलग अलग मैप पे जो है गेमिंग देखने को मिला करेगी हमेशा। जब भी मैं खेला करूँगा तो थोड़ा अलग अलग जो है मैप पे अब ट्राई किया करूँगा हर बार, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को हो रहा था इस चीज़ के लिए, बोलते थे कि थोड़ा अलग मैप पे भी खेला करो, तो कोई नहीं आपसे जो है थोड़ा अलग अलग मैप पे भी आपको वीडियो मिला करेगी गेम प्ले की। और गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस अभी उतनी ज़्यादा बेटर आपको देखने को इसमें नहीं मिलती है, तो उसके लिए फ़िलहाल अभी तो वेट करना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल आपको उतनी गेमिंग अच्छी नहीं मिलती, FPS वही आपका जो है 30 तक ही मिलने वाला है यहाँ पे, इस पर 30-32 जाएगा मुश्किल से, इस तरीके से जो है आपको मिलेगा अभी फ़िलहाल, इसलिए लैग तो अभी फ़िलहाल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और एंड्रॉयड 11 वैसे भी अभी ज़्यादा भाई अभी तो बीटा पे ही चल रहा है ये, तो अभी तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें देखने को मिलती इस रोम में। और बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में, तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या कुछ करना है, तो चलिए हम इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो है रोम डाउनलोड कर लेना एंड निक जी ऐप रख लेना डाउनलोड करके, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको चलना है अपनी रिकवरी में, और रिकवरी में जाने के बाद सबसे पहले आपको चलना है वाइप के अंदर, और वाइप पे जाना है यहाँ पे डॉल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा, इन पाँचों को जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये जो है हमारा यहाँ पे वाइप हो जाएगा, और इसके बाद आपको अपने फाइल में जाना है और अपनी रोम को जो है सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है हम रोम को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से जो है ये फ्लश कर देना है, और बस थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है इसके फ्लश होने का, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता, रोम जल्दी फ्लश हो जाता है और GF भी। तो यहाँ पे रोम फ्लश हो जाएगा, उसके बाद वाइप कैच कर देना है रोम को यहाँ पे फ्लश होने के बाद, और वापस आपको होम बटन पे प्रेस करना है और अपने फाइल में यहाँ पे निक GF को सेलेक्ट करना है, और इसे भी हमें यहाँ पे जो है फ्लश कर देना है कुछ इस तरीके से, और इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत आपका फ्लश हो जाएगा। और यहाँ पे इसे भी जो है वाइप कैच कर देना है एंड यहाँ पे हमें जो है रिबूट कर लेना है कुछ इस तरीके से, जो है हमें यहाँ पे रिबूट कर लेना। और यहाँ पे रिबूट करने के बाद ये जो लोगो आ रहा है यहाँ पे रेजर का, तो रेजर रोम में यूज़ कर रहा था उसकी वजह से आ रहा है, आप लोग के रेडमी नोट 5 प्रो या फिर MI लोगो भी आएगा, तो आप जो है यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर करो। एंड यहाँ पे जो है उसके बाद आपका बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जो है हमें यहाँ पे बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऑन होने में भी, यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है आपका फ़ोन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे सेटअप कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ये कुछ इस तरीके से जो है ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से ऑन होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, तो ये एप्लीकेशन है जो कि आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखने को मिलने वाले रोम फ्लश करने के बाद। तो बस यही सारी चीज़ था, और ज़्यादा कुछ है नहीं। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।